सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देने का प्रयत्न करूंगा। और उससे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि पिछले वीडियो को आप सभी ने इतना सराहा, प्यार दिया, लाइक किया। अब यहाँ पर इस हाथ के विषय में सर्वप्रथम आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इस हाथ में बहुत कुछ बहुत अच्छे अच्छे योग हैं। बहुत कुछ क्या, अधिकतर योग जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं। दूसरी, हाथ में इतनी सारी अंगूठी भी पहन रखी है तो उसका भी कहीं ना कहीं शुभ परिणाम तो निकलना ही है। लेकिन क्या ऐसा रीज़न निकलता है कि सब चीज़ अच्छा होते हुए भी लाइफ में नेगेटिविटी फेस करनी होती है, नकारात्मकता का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर काम में कठिनाई, बाधा, मन में असंतुष्टि, एक प्रकार का भय, अपने आप पर ही कहीं ना कहीं शक कर रहे हैं, गुरु अच्छा नहीं मिल पा रहा है, एक प्रकार का कॉन्फिडेंस, ये जितनी भी कंडीशंस होती हैं इसमें सबसे पहले जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है व्यक्ति का, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हटता है, फेट हटने लगता है, इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं तो ले दे के पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है व्यक्ति के ऊपर बहुत तीव्र गति से आ जाती है। तो हाथ में जो मेरा पहला नज़र इनके ऊपर गया था कि क्या इनके उसमें रीज़न है, मैंने फाइंड किया तो इसमें रीज़न तो मुझे हालांकि मिले थे, लेकिन उसमें जो सबसे मेन रीज़न है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, वो है शनि वलय। देखिए, हाथ में वलय बहुत प्रकार के बनते हैं, लेकिन उसमें एक वलय जो सबसे नकारात्मक, ख़राब माना जाता है, वो होता है शनि वलय, जो आपके सेकंड फिंगर के नीचे शनि पर्वत पर बनता है। देखिए, डरने वाली, घबराने वाली, चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है, कम से कम बीमारी का पता लगेगा तब ना जाके उसका इलाज होगा। तो पहले बात कि इतना गट्स इंसान को होना चाहिए, अपने अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को जान पाए कि क्या रीज़न है। रीज़न पता चलेगा, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन, रेमेडीज निकलने हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं सही हो जाएंगी। और ऊपर वाला भी आप लोगों को मौका देता है ये सारी चीज़ें जानने का कि क्या तकलीफ है, क्या किस कारण परिस्थिति खराब है, तो उस चीज़ का अच्छे से यूटिलाइज करिए और उपाय करके ये चीज़ें सही कर लीजिए। तो यहाँ पर जो शनि वलय बनता है वो शनि पर्वत के ऊपर बनता है। ये देखिए, शनि पर्वत ये है आपका, और शनि की पर्वत के ऊपर रेखाओं के माध्यम से किसी भी कारणवश इस प्रकार के योग बन जाए, जिसे अर्धचंद्रमा जो है यहाँ कहा जाता है, इसे जो है शनि वलय का नाम दिया गया है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि लाइफ में ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ रहेगा, लेकिन भाग्य का साथ कहीं ना कहीं डूबा हुआ रहेगा, यानी भाग्य पे किसी न किसी प्रकार का ग्रहण लगा रहेगा। इसी रीज़न से जो व्यक्ति चाहेगा वो तो बिल्कुल मिलना ही नहीं है जीवन में। सबके लिए हर चीज़ अवेलेबल रहेगा, लेकिन जब इनकी बारी आएगी तो इनको नहीं मिलना है। तो इस प्रकार से और भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, मैं नहीं बताना चाहता इन सब जो है वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये जान लीजिए कि जब शनि वलय आपके हाथ में, किसी भी हाथ में बन रहा हो, या शनि के ऊपर इसके अलावा क्रॉस का साइन हो, या किसी प्रकार का तिल हो, और किसी प्रकार का स्क्वायर भी, इवन ऑन माफ करें सर्कल भी हो, तो भी जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। जब शनि नेगेटिव हो जाए, पता चल जाए, तो आंख मूंद के शनि के उपाय करना प्रारंभ करिए। हिंदू धर्म की मान्यता अगर आप में के अंदर है, हिंदू धर्म के हैं, तो हनुमान जी को पूजना शुरू करिए। और बहुत सारे उपाय हैं, इसके ऊपर नई वीडियो में मैं बना करके लाऊंगा, जो बहुत सरल, बहुत आसान उपाय है, जिसका प्रभाव मात्र 21 दिन में दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो ये था इनमें जो है सबसे मेन पॉइंट। अब आते हैं पूरे ऑल ओवर हेल्थ के, जहाँ है यहाँ जो है एनालिसिस पे। तो फिंगर की लेंथ के विषय में देख पाएंगे, पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। तो एक प्रकार का कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का नेचर काम निकलवा लेने वाला होता है, कि कहीं ना कहीं इनके काम रुकते नहीं हैं, हर माहौल में, हर परिस्थिति में ढल जाने वाले, इमिजिएटली एक्शन के बजाय, मतलब एक प्रकार का जब तक संतुष्टि नहीं मिल जाए तब तक उस काम में लगे रहना, इस प्रकार का नेचर होता है। क्योंकि फिंगर के यहाँ जो फैलेंजेस हैं वो भी बहुत अच्छे उभरे हुए व फैले हुए हैं, तो स्टेमिना, ऊर्जा, किसी चीज़ को यहाँ पर जो है पाने की चाहत, विल पावर बहुत अच्छी होती है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, एक प्रकार का जो प्रेजेंटेशन है वो भी प्रॉपरली नहीं रह पाता होगा, एक प्रकार का स्टेज फियर भी ऐसे लोगों को फेस करना होता है लाइफ में। और थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, तो नेम फेम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं ऐसे लोगों के। ऐसे लोगों का पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान वाला योग बनता है, रॉयल्टी वाला एक योग बनता है, जिसका मीनिंग ये निकलता है कि हर समाज में हर एक कोने से सुख सुविधाएं के साथ साथ एक प्रकार का इज्जत, मान सम्मान मिलना, और एक प्रकार का रिस्क टेकिंग नेचर भी होता है, जिसके कारण लाइफ में प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी पाते हैं।
फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा होने के कारण फ्रेंडली नेचर व मिलनसार स्वभाव वाला नेचर ऐसे लोगों का होता है, और हर व्यक्ति विशेष और हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने व उनके अनुसार ढल जाने में माहिर रहते हैं। अब यहाँ पर अंगूठे के क्षेत्र की चर्चा की जाए तो देखिए अंगूठा यहाँ पर शॉर्ट है। जब अंगूठा शॉर्ट देखने को मिले तो थोड़े कहीं ना कहीं जल्दबाजी हड़बड़ी वाला नेचर ये क्रिएट करता है, और जो व्यक्तित्व है वो आपका लोगों के सामने निखर के नहीं आ पा रहा है। और कहीं ना कहीं आप लाइफ में प्लानिंग खूब कर रहे हैं, उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी बहुत ला रहे हैं, इन सब की योगों को ये बताता है। और यहाँ पर यव का चिन्ह बनना शुभ होता है, क्योंकि एक तो ये विल पावर को, सिक्स्थ सेंस को, इंट्यूशन जो पावर होती है, इन सबको बढ़ाता ही है, लेकिन ग्रेसिपिंग स्किल भी बहुत अच्छी कर देता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी कुछ सीख जाता है, इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलिजेंट होता है, और धार्मिकता भी ऐसे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आते हैं यहाँ पर पाम के साइज़ में, तो पाम यहाँ पर अच्छा खासा फैला हुआ है, और हर पर्वत सिर्फ शनि को छोड़ करके कहीं ना कहीं उभरा हुआ है, नॉर्मल स्पेस ले रहे हैं, तो मेहनती नेचर इनका रहेगा। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो गुरु भी यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल ही एरिया ले रहा है, लेकिन गुरु पर लाइफ लाइन और माइंड लाइन से बहुत सारी रेखाएं उभर के ऊपर की ओर जा रही है। तो ये जब रेखा हाथ में होती है तो ऐसा व्यक्ति के साथ जितना ही जुर्म हो जाए, एक कहावत है, जितना ही जुर्म हो जाए टस से मस होने वाले नहीं रहते। इसका मीनिंग ये होता है कि इतना एम्बिशियस नेचर होता है ऐसे लोगों का, इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि वो जो फिंगर के अकॉर्डिंग भी देखने को मिला कि जब तक ड्रीम पूरा नहीं हो जाए तब तक भिड़े रहना है, लगे रहना है, उस प्रकार का नेचर यहाँ पर ये बताता है कि जब तक कोई भी एम इनका कंप्लीट नहीं हो जाए, जो इनका एम्बिशन है, वो जो महत्वाकांक्षा है वो फुलफिल ना हो जाए, तब तक ये यहाँ पर लगे रहेंगे। और ये एक प्रकार के जुनून को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण व्यक्ति जुनूनी होता है, हार नहीं मानता है। तो आप जो चाहेंगे जीवन में सब मिलेगा, आपको कोई परेशानी नहीं। और ये जो आड़ी रेखा है, इस कारण से आपके अंदर एक प्रकार का दयालुपन, धार्मिकता, धर्म के प्रति झुकाव, दान पुण्य, इन सब वाला नेचर जो भी है क्रिएट होने वाला रहेगा। अब शनि पर एक तरफ नेगेटिविटी है तो एक तरफ एक पॉजिटिव साइन भी क्रिएट होता है, जिससे हम कहते हैं स्क्वायर का साइन। बहुत मायनों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ फिश बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये फिश नहीं है, ये यहाँ पर रेखाओं के माध्यम से स्क्वायर बन रहा है। तो ये स्क्वायर बनना या यहाँ पर ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, इसका बनने का मतलब यही होता है कि आप हमेशा एक प्रकार से दुर्घटना से बचते रहेंगे। दुर्घटना से यानी जो एक्सीडेंट होता है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, या कहीं पर गिरने से बचना, जलने से बचना, किसी बीमारी से बचते रहना, इन सब की योग आपके साथ लगा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव इस कारण से रहेगा। सूर्य के क्षेत्र पर आते हैं तो देखिए सूर्य रेखा आपके भाग्य रेखा से निकलते हुए जा रही है, इतनी मजबूत नहीं है रेखा, लेकिन तब भी सीधे गई है, और इसको एक हृदय रेखा से आने वाली रेखा थोड़ी काट दी है। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं प्रोफेशन में सक्सेस मिल पाने में देरी रहती है, पिता से भी रिलेशन में किसी प्रकार के मतभेद व अनबन या वैचारिक मतभेद भी बनने के योग बनते हैं, थोड़ा सा नेत्र से रिलेटेड, और सर्वप्रथम आत्मविश्वास में कमी इस कारण से आती है। तो सूर्य के भी रेमेडीज करना जरूरी है, परंतु बीच की ये जो रेखा है, ये नॉलेज लाइन होती है, जो यही दर्शाती है कि आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज रहेगा किसी भी फील्ड का कि दूसरे लोग आपके पास जो है सलाह मशवरा लेने या फिर आपकी राय लेने आएंगे। तो ये बहुत शुभ चिन्ह होता है यहाँ पर। और मरकरी माउंट की चर्चा करें तो यहाँ पर भी एक से अधिक रेखा आकर्षित व्यक्तित्व को पनपती हुए बताती है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेना, अपने बातों से बांधे रखना, सुंदरता को भी ये यहाँ पर बताता है। तो सुंदर भी होते हैं आप जैसे लोग। और यहाँ पर हृदय रेखा के अंत में भी गोपू जैसी आकृति बनने के कारण गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी नेचर थोड़ा जो है क्रिएट होता है। अब यहाँ पर ये रेखा निकलते हुए सीधे गई है, और ये जो अन्य रेखाएँ हैं वो भाग्य रेखा के द्वारा शाखाएँ जो है यहाँ पर जुड़ जुड़ के यहाँ पर थोड़ा ऊपर की ओर उठी है। सीधे कर जाते हुए रेखा एकाग्रता को बताती है, जो कि आपके कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप जो भी चीज़ ठानेंगे उसमें लगे रहेंगे, एक प्रकार का रिसर्चर वाला नेचर रहेगा, लेकिन लॉयल, ईमानदार भी आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो नीचे की ओर रेखा आ रही है, ये थोड़ा इमोशनल सेटबैक की निशानी होती है, जो कहीं ना कहीं अपनों से ही किसी प्रकार का धोखा, मतभेद, अनबन, और उसके कारण जो दिल टूटता है, अफेक्ट होता है, थोड़ा सा ठोकर लगती है, उन सब की योगों को थोड़ा बताता है। अदरवाइज देखें तो माइंड लाइन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, थोड़ा डिक्लाइन हुआ है आगे चल के, जिसके कारण ओवरथिंकिंग बढ़ती है व्यक्ति की, और इसका कनेक्शन सीधे शुक्र से होता है, जिसके कारण यहाँ आड़ी रेखा है जो आपके अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है।
ये अननेसेसरीज वरीज हमेशा फैमिली लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा रहती है, तो आपको जो तनाव भी या टेंशन भी लगा रहता होगा फैमिली लाइफ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड, ये एक प्रकार का अनावश्यक चिंता, मतलब बेफिजूल का चिंता, बेफिजूल की परेशानियाँ लगी रहती होंगी। तो एक तो ये ओवर थिंकिंग से भी होता है और इसके लिए भी थोड़े रेमेडीज करना ज़रूरी रहते हैं। अदरवाइज देखें तो सीधी माइंड लाइन है, माइंड आपका बहुत शार्प है, बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता, हर परिस्थिति से गुजर जाने की क्षमता अपने आप में रखते हैं। और यही रीज़न है कि आप बड़े से बड़े डिफ़िकल्टीज़ को भी लाइफ में बहुत ईजिली फेस कर लेने वाले रहेंगे। और मंगल का भी प्रभाव मिल ही रहा है, तो इस कारण से व्यक्ति में और ज़्यादा हौसला, जुनून बढ़ जाने वाला होता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका नेगेटिविटी यही है कि आप लाइफ में प्लानिंग खूब करेंगे और उन योजनाओं में चेंजेस भी बहुत लाएंगे, परंतु आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर अब मेनली यहाँ पर गौर करें तो लाइफ लाइन का फ्लो आपका इस प्रकार से निकलते हुए अंदर की ओर आया है, फिर एक ओवरलैपिंग होते हुए गई हुई है। तो तकरीबन 16-17 उम्र के बाद के दरमियान कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल में आपके चेंजेस बहुत अच्छा हुआ है, जिसके कारण रॉयल्टी, सुख सुविधा, जीवन जो यहाँ पर जीने की शैली होती है जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं, इन सब में बढ़ोतरी हुई होगी। और जीवन में आपको हर प्रकार का सपोर्ट भी मिला हुआ है, ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें आपको दूसरों का सपोर्ट ना रहा हो, और ऐसा कोई भी क्षण नहीं है आपके जीवन में जिसमें आपको दूसरों का सहयोग ना मिल गया हो। आप जब जब मुसीबत या परेशानी में पड़े होंगे आपको सहयोग ज़रूर मिला होगा, लेकिन शनि जो है उसमें भी किसी न किसी प्रकार से बाधा लाया होगा। जैसे सहयोग अपने प्रोफेशन और इच्छा से रिलेटेड आपको जो है ज़्यादा नहीं मिला होगा, लेकिन इसके अलावा हर प्रकार का सहयोग जीवन में आपको मिला होगा। फिर यहाँ पर लाइफ लाइन से भी सीधी खड़ी रेखा जा रही है, तो ये सेल्फ मेड लक लाइन है, जिसके कारण व्यक्ति अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखता है, अपनी मेहनत कर्म के द्वारा आगे बढ़ता है और जो जीवन में चाहते हैं वो हर मुकाम हासिल कर पाते हैं। थोड़ा नेगेटिविटी लाइन, डिमेरिट्स लाइन ये यहाँ पर है जो ये काट रही है, जो मंगल से काटते हुए माइंड को लाइन को काट रही है, इसके कारण थोड़ा सा जैसे लॉस, डिप्रेशन, टेंशन के योग बनते हैं जो अप्रोक्स 22-26 और जो है 30s के एज में भी, और माइंड लाइन पे ये इसका अफेक्ट जो है 29-30 के एज में ज़्यादा हो रहा है। तो वो जो एज जो है अभी आपकी चल रही है 31 रनिंग, इसी में थोड़ा सा ट्रबल है, लेकिन सपोर्ट जो है अच्छा हो रहा है और भी सपोर्ट लाइन इंक्रीज हो रही है, तो लाइफ में अब आगे चल के जो है सुधार अच्छा होने वाला है। मंगल देखें अंदरूनी व बाहरी दोनों अच्छे उभरे हुए हैं, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा व मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। किसी के भी साथ आप मिलेंगे बहुत जुनून, हौसले के साथ, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी कहीं ना कहीं आपकी लगी रहेंगी दूसरों पर। और यहाँ पर शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र आपका एरिया बहुत अच्छा ले रहा है। जब शुक्र अच्छा एरिया ले तो भोग विलास इन सब की ओर तो ध्यान थोड़ा जाता ही है, लेकिन हर प्रकार की सुख सुविधा जो मैं बार बार इस वीडियो में बोल ही रहा हूँ कि ये सब आपको जीवन में रहेगा, और एक प्रकार से का अच्छा खर्चीलापन भी आपके अंदर रहेगा। वो खर्चीलापन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो होने के कारण व्यक्ति अपने बेसिक जो ड्रीम और बेसिक जो नीड्स हैं उसको ईजिली फुलफिल कर पाता है। और खाने पीने, घूमने फिरने, इन सब का भी शौक, और अच्छा रहन सहन, कपड़े लत्ते, साफ सफाई, इन सब का भी बहुत मतलब आप जो है शौक रखने वाले रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो थोड़ी सी जो अननेसेसरीज वरीज हैं इनके लिए थोड़े उपाय करने रहेंगे, लेकिन सीधी खड़ी रेखा देखी जाए तो ये भी सपोर्ट को, भाई बहनों के सहयोग को और अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है। केतु माउंट, ये जो केतु का एरिया है, यहाँ पर जो है हल्का सा फिश सिंबल जो है क्रिएट हो रहा है, जो कि आपको जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस एवं छोटी मोटी यात्राओं से होने वाले लाभ को, धार्मिकता को, और जो पीसफुल जो जगह होती है जैसे खासकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सब के जो है भ्रमण से भी आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा, और सडनली गेन वेल्थ भी मिलने के योग बहुत ब्राइट है आपको। और यहाँ पर जो थोड़ा वियल ऐसा वियल जैसे आकृति बन रही है, जिसके कारण पेट से रिलेटेड तकलीफ होने की गुंजाइश व्यक्ति की बढ़ जाती है, और थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ट्रबल बढ़ते हैं, और किसी चीज़ की लत भी होने की गुंजाइश यहाँ पर बताई जाती है। लाइफ लाइन से बाहर क्यों निकलने वाली रेखा चंद्र पर आने वाली रेखा विदेश यात्रा को बताती है। और यहाँ पर आपके मून लक लाइन निकली हुई है जो सीधे गुरु से कनेक्टेड हुई है, तो ये एक प्रकार का गज केसरी योग भी बनाता है। जब चंद्र के एरिया से रेखा निकल के गुरु का टच हो जाए और उसके अलावा एक दो अन्य भाग्य रेखा भी हो, तो ये एक प्रकार का गज केसरी योग बनता है, जो कि कुंडली में बेसिकली होता है। और इसका मीनिंग यही रहता है कि व्यक्ति के जन्म के बाद उसके घर में उन्नति बहुत होती है, और जन्म के बाद से ही आपको गाड़ी, बंगला, घर बार,
अनेकों प्रकार की सुख सुविधा मिली होगी। आपको अगर डाउट है तो अपने पेरेंट्स से जाके आप पूछ सकते हैं कि आपके जन्म के बाद उनके लाइफ में कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा। और इसके अलावा ये हर प्रकार का जो शारीरिक जो हम कह सकते हैं सुख सुविधा, इसको अगर हटा दे, जैसे कि हेल्थ होता है तो थोड़े हेल्थ इश्यूज देखने को मिले, लेकिन इसको अगर हटा दे तो जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो सब आपके पास है। मतलब एक जो कंफर्टेबल लाइफ हम कह सकते हैं, एक जो संपूर्ण जीवन कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सक्षम आपका जीवन देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसके अलावा जब चंद्र की भाग्य रेखा हो तो ये दूसरों के द्वारा मिलने वाले प्यार को बताता है। तो आपको दूसरों के द्वारा खूब जीवन में सहयोग मिल ही रहा है, प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, और इसके अलावा प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके कारण आप जीवन में आगे बहुत बढ़ते जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा तो वो दूसरे लोगों का रहेगा। तो जन्म स्थान से दूर जाइए आप सर्वप्रथम, बाहर जो है दूसरों से ज़्यादा कनेक्टेड होइए, अगर हो, बेशक आप हो रहे होंगे लेकिन और ज़्यादा हुई है, और अगर जन्म स्थान पर है तो बिल्कुल भी नहीं रहना, वहाँ तो प्रोग्रेस है ही नहीं आपका। शादी के बाद भी बहुत उन्नति रहेगी, वाइफ के घर वालों की तरफ से भी बहुत सहयोग मिलना है, और इस प्रकार का भाग्य रेखा जीवन में बहुत अच्छे मकाम तक लेकर के ही जाने वाला होता है। अब इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक सीधी रेखा भी गई हुई है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा हाथ में बन रहा है। तो धन जीवन में अच्छा रहता है, रुकता भी है, बचता भी है, टिकता भी है, और ऊपर से सूर्य रेखा भी है, तो ये तो अपने आप में नेम फेम दिलाने वाला, मतलब ये बाध्य है, ये चीज़ उसको देना ही पड़ेगा, इस प्रकार का योग है। अब जब इतने सारे अच्छे योग देखने को मिले तो इतनी डिफ़िकल्टीज क्यों, तो वो आप जानते ही हैं, वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया गया। और इस अंगूठी के बारे में आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं कि ये किस प्रकार से आपने कौन कौन सी पहनी हुई है, तो मैं उसमें भी सजेशन दे सकूं कि क्या आपको उतारना है, क्या रखना है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, किसी का भी किसी भी प्रकार का प्रश्न रह गया हो, हाथ का विश्लेषण कराना हो या कुछ भी डाउट हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछें और बताएं कैसा लगा वीडियो। तब तक आप सभी का बहुत